नमस्कार साथियों मैं घनश्याम शर्मा काफ़ी दिनों बाद में आज आप सभी के साथ में जुड़ रहा हूं और आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम 20 और 21 जुलाई को होने वाले आर एस मुख्य परीक्षा 2024 की बीच में ये जो अब एक महीने के लगभग हमारा समय बचा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हमारा जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम पर पहुंचा सकते हैं और इसमें मेरा जो पिछला तीन परीक्षाओं का अनुभव है वो भी मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा तो इस स्थिति में जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ में कुछ समस्याएं सामने आ रही होंगी डेफिनेटली हर स्टूडेंट के साथ में वो समस्याएं आती है जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो आपको ये लग रहा होगा कि इतने कम टाइम में आपका इतना वास सिलेबस कैसे हो पाएगा इसके साथ ही आपको ये भी फील हो रहा होगा कि आप चीज़ों को भूलते जा रहे हैं पूरे दिन जब आप पढ़ते हैं उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही होती और ऐसे में आप अपने आप को अंडर प्रेशर फील करते हैं और इसी वजह से जो हमारा यूस्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने वर्तमान स्तर से न केवल दो कदम आगे बढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा समय आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में ही लगने वाला है अब यहाँ से हमारे पास कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि तीस से चालीस दिन का जो टाइम है उसमें आ, हम क्या क्या करें उसको स्टेप बाई स्टेप समझते हैं सबसे पहली बात आती है कंटेंट की तो मैं मानता हूं कि अब तक आप में से लगभग सभी ने अपना कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से कवरअप कर लिया होगा वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारा एग्जाम जनवरी में होना था और अभी पोस्टपोन हो गया है जुलाई के लिए तो जनवरी से पहले तक का ही पेपर आपका लगभग मान के चलिए नाइनटी परसेंट पेपर बन चुके हैं और वही पेपर पूछे जाएंगे इन द केस एक परसेंट अगर ऐसा होता भी है कि पेपर जो है नए बनते हैं जो कि बहुत कम संभावना है जिसकी है तो उसमें भी आपको ज़्यादा चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के वो सरकारी योजनाओं और इन साइंस एंड टेक और इन चीज़ों से ही पूछे जाएंगे और उनमें भी जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इन दिनों में नहीं हुए हैं जैसे कि इकोनॉमी वाले पोर्शन में तो कोई विशेष आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पिछली योजना ही चल रही है बस उनमें से कुछ का नाम चेंज हुआ है बाकी RPSC और एन सी आर टी दोनों बुक्स पर रिलाई करना है ये मैंने पहले भी आपको बताया अब भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आपके स्ट्रेट इन बुक्स में से पूछे गए हैं इन पर मैंने आपको पहले भी बहुत से वीडियो में जानकारी दी है अगर आपने अपना कंटेंट पूरा तैयार कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर पाए हैं और किसी कारणवश चुनाव या फिर ड्यूटीज की वजह से फंसे रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं आप आर एस जंक्शन पर हमारे जो जी एस पेपर वन टू और थ्री के कंप्लीट नोट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं ये नोट्स मैंने पूरे पिछले छः महीने में अपने कंटेंट को एनरिच करते हुए तैयार किए हैं जिसमें आर बी एस सी की जो कंप्लीट बुक्स हमारी दी हुई है ऑनलाइन कहीं पर भी उनसे और इसके साथ साथ एन सी आर टी की जो लेटेस्ट दो हज़ार तेईस चौबीस की बुक्स हैं उनसे हमने इसको तैयार किया है तो क्रिस्प और सीधा स्ट्रेट टू द टॉपिक आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो ये तो हो गई बात कंटेंट की अब बात आती है कि सर नया पढ़े या ना पढ़े तो देखिए दोस्तों अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने एक रिवीजन अपना पूरा कर लिया है तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि अब जो रिवीजन आप कर रहे हैं उसमें आपको टाइम कम लगने वाला है हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको बेटर जो है या फिर जिसको बोलते हैं रिपीटेड uh, रिवीजन की जरूरत पड़ती है जैसे कि अकाउंट ऑडिटिंग हो गया ठीक है सोशियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया मैनेजमेंट uh, वाला पोर्शन हो गया इसी तरह से पेपर थर्ड के अंदर बिजनेस uh, uh, जो अपना लोक प्रशासन वाला हिस्सा है uh, या फिर आपका लो योगा स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है ये बार बार मेहनत मांगता है मतलब आपको इसमें रिपीट करना पड़ेगा बार बार पढ़ना पड़ेगा तो अगर आप इनको एक रिपीटेशन में क्योंकि ये छोटे पोर्शन भी है लेकिन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है इनको भूल जाओगे तो नंबर बहुत ज्यादा कट जाएंगे हिस्ट्री में हो सकता है आप कुछ ना कुछ लिखते हैं पॉलिटी में हो सकता है आप कुछ ना कुछ लिखते हैं लेकिन इन पोर्शन में आप नहीं लिख पाएंगे इसलिए कोशिश करें कि इनको आप बार बार रिवाइज करते रहें इसी के साथ बड़े सब्जेक्ट्स का कम से कम एक रिवीजन अभी भी आपको करना है और उसको इतना बेहतर तरीके से करना है कि फिर उसको दोबारा हमें याद करने का अगर मौका ना भी मिले तो भी हमारा काम चल जाए इसी के साथ अब आपके पास में एक आउटलाइन भी होनी चाहिए अपने पूरे सिलेबस की कंप्लीट विशेष करके जो हमारी जो वर्ड्स यूज किए गए हैं हमारे सिलेबस में उनके डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है इसके बाद बारी आती है जब हम अपना कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो क्या सर हम टेस्ट देवे या नहीं देवें तो देखिए दोस्तों 40 दिन बचे हैं और चूंकि अब आपको अपने आप को उस मोड में ढालना है जिसमें आपको पेपर जाकर के देना है तो आप खाना तो खूब खा रहे हैं लेकिन उसका जुगाली नहीं कर रहे हैं ठीक है तो जुगाली करने की जरूरत है और वो तभी हो पाएगी जब आप टेस्ट पेपर देंगे टेस्ट पेपर देने पर क्या होता है हमारा रिकॉलिंग वाला पोर्शन जो है वो बहुत तेजी से काम करता है और जब हम रिकॉल कर रहे होते हैं तो इससे वो चीजें हमारे लिए परमानेंट होती जाती है क्योंकि टेस्ट देने के बाद जब आप, आप उसको सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी गलतियां कहाँ थी तो फिर वो आप वहां से उसको तैयार कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि अल्टरनेटिव डे पे एटलीस्ट आप पेपर देवें और ये पेपर अब फुल टेस्ट होने चाहिए अब भी अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फुल टेस्ट देवें और फिर उसमें ये एनालाइज करें कि आप किस पोर्शन में कमजोर हैं और अब बचे हुए दिनों में उस पोर्शन पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत आपको है इसी के साथ आपको ये भी जरूरत है कि आप एक या दो बार फुल पेपर्स के अल्टरनेटिव डे में मतलब जैसे संडे और सैटरडे है दो दिन लगातार चार शिफ्ट में जो हमारा पेपर होता है उसकी भी प्रैक्टिस कर लें वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहां पर एक अलग प्रेशर होगा तीन घंटे लगातार पेपर देने के बाद आपको दो घंटे का रेस्ट मिलेगा और फिर से तीन घंटे पेपर और फिर अगले दिन वापस से उसी का दोहराव करना तो उसकी वजह से आपके प्रदर्शन पर क्या फर्क पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है ये अगर जानना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये पेपर देवें और उसके लिए हमने आपके लिए पंद्रह और सोलह जून को एक टेस्ट पेपर शेड्यूल भी किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अंतिम प्रहार के नाम से हमने ये टेस्ट पेपर सेट किए हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसे दे सकते हैं मैं कहूँगा बेहतर होगा आप ऑफलाइन में हैं क्योंकि वो आपके लिए जो है आ, आ, थोड़ा कम रेट में भी होगा बल्कि इसके साथ साथ वो आपको एक रियल एक्सपीरियंस भी देने वाला है तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा फोर्थ uh, पेपर पर फोकस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए विशेष करके जो कम्प्रीहेंशन पोर्शन के जो फॉर्मेट्स uh, हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए इसी तरह से आर की हिंदी की जो uh, जो दोनों बुक्स हैं ग्रामर की ओल्ड और न्यू उनको भी रेगुलर पढ़ते रहिए वैसे तो आप पढ़ रहे होंगे अब आप बड़े राघव प्रकाश हैं इनके पीछे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है उनको आपने पढ़ लिया है ज्यादा से ज़्यादा आप जो है इस पर फोकस करें कि कैसे आप जो है हिंदी की जो बुक के जो दिए हुए वी क्वेश्चन हैं क्योंकि 60 परसेंट पेपर आपका स्ट्रेट वहाँ से आता है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें बहुत टाइम है अगर डायरेक्टली रिवाइज नहीं कर सकते तो आप किसी को घर में दे सकते हैं कि वो आपसे पूछे तो इस तरह से जब वो पूछेगा तो आप रिकॉल कर पाएंगे और रिकॉल जब आप करेंगे तो आप बेटर तरीके से चीज़ों को लर्न भी वहां पर कर पाएंगे इसी के साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो आपका स्वास्थ्य है स्वास्थ्य है बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती तो शरीर को इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस ना देवें कि आप अपनी तबीयत खराब कर लें और फिर उसके बाद आपके चार से पाँच दिन खराब हो जाए क्योंकि इस समय अगर ये दिन ख़राब हो गए तो मान के चलिए वापस रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो आप अपने आप को सुबह आधा घंटा या एक घंटा जरूर देवें जिसमें न केवल आप थोड़ा वॉकिंग करें बल्कि उसके साथ साथ अपना जो भी योगाभ्यास आप करते हैं वो करें प्रतिदिन जो है नहाए धोएं स्नान करें थोड़ा सा दस से पंद्रह मिनट अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो वो भी करें क्योंकि वो आपको रिलैक्स करता है जिसमें आप प्राणायाम भी सम्मिलित कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है जो खाना खाते हैं वो लाइट फूड ले जैसे कि फूड में जो आप लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करें ठीक है जैसे छाछ हो गया या फिर जितने भी मिलेट्स हैं उनका उपयोग करें और फूड जो है वो लाइट रखें ज़्यादा खाना नहीं खाएं ज़्यादा खाना खाएंगे तो तो नींद नींद आएगी आएगी और आप जो है उतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे जितने की आपको जरूरत है ठीक है तो तैयारी को बूस्ट करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप अपने कंटेंट को जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें, इसके साथ ही आप जो है अल्टरनेटिव डे पे एटलीस्ट टेस्ट पेपर्स लिखें ठीक है फुल पेपर्स जो मैंने बताए वो आप जरूर देवें और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें और रही बात भूलने वाली वो सबके साथ होता है आप अकेले नहीं है तो उस बात की तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए लेकिन उसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाने दीजिए तो अपने आप को शून्य मानते हुए केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए आप परिणाम की चिंता को लेकर अगर ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारे लिए न केवल समय व्यतीत करने वाला होगा बल्कि हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको भी वो डाउन करेगा तो आप बिना परिणामों की चिंता बस अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश कीजिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे चलिए मैं सदैव इस मुद्दे पर आपके साथ हूं तो ये तो हुई बात जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इसके अलावा जो प्रिलिम्स वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें रेगुलरली तैयारी करते रहें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें जल्दी ही अगस्त में हम आप सभी के लिए प्री और मेंस के फाउंडेशन बैच भी शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे जुड़ पाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं फिर से थैंक यू